श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा। इस स्वायत्त ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य, जिनमें एक सदस्य अनिवार्य रूप से होगा दलित वर्ग का। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान। प्रदेश कैबिनेट ने 18 फैसलों को और भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का किया उद्घाटन। कहा, मेक इन इंडिया से भारत की बढ़ेगी सुरक्षा, वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के पैदा होंगे नए अवसर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डिफेंस एक्सपो से प्रदेश में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 3 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पॉलिसी, प्रोडक्शन और पार्टनरशिप पर दिया जोर। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार ने मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा संसद में कल की। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत जो अधिकृत एकड़ भूमि है राम जन्मभूमि के लिए, उसे तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का भी फैसला किया गया है। पीएम ने यह भी कहा है कि 9 नवंबर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने बहुत परिपक्वता का उदाहरण दिया था और वो इसके लिए देशवासियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी है। फैसले के बाद से ही इसके लिए ट्रस्ट के गठन का इंतजार हो रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बना ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बुधवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को बताया कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित 67.7 एकड़ भूमि भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का भी फैसला किया है। पीएम ने कहा कि 9 नवंबर को फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने बहुत ही परिपक्वता का उदाहरण दिया था और वो इसके लिए देशवासियों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने सभी दलों से भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन मांगा। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। लोकसभा में पीएम की घोषणा के बाद तमाम सदस्यों ने मेजें थपथपाकर इसका स्वागत किया। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के निर्णय को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रस्ट के गठन के ऐलान के बाद पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिनमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। ये ट्रस्ट मंदिर से संबंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। सरकार ने दोपहर बाद ट्रस्ट के गठन से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के न्यास को दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित एक पते पर पंजीकृत बताया गया है। कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण करने और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट के गठन के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण बनाने के लिए ट्रस्ट की घोषणा के बाद अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है। संत धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी प्रधानमंत्री के सक्रिय प्रयास के लिए उन्हें बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। इस बीच अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों के साथ साथ उच्च प्रशासनिक अधिकारी संवेदनशील स्थलों पर गश्त कर रहे हैं। विशेष रूप से श्री राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के स्थान मणि रामदास की छावनी पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या मंडल के कमिश्नर MP अग्रवाल ने राम जन्मभूमि रिसीवर का चार्ज अयोध्या राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को सौंप दिया है। अयोध्या राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी बनाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा होने के बाद कमिश्नर MP अग्रवाल ने रिसीवर का चार्ज छोड़ा है। अब तक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कमिश्नर राम जन्मभूमि परिसर के रिसीवर रहे हैं। इस मौके पर DM अनुज झा भी मौजूद रहे। बढ़िया तो है, मोदी जी के अंदर राम जी के प्रति प्रबल भाव है। हम तो पुराने जमाने से कहते आए हैं, जानते हैं जो कुछ भी करेंगे मोदी जी सब ठीक करेंगे, प्रबल भाव उनके अंदर है। और जो ट्रस्ट की घोषणा हुई वो भी उचित है। ट्रस्ट की घोषणा हो गई, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर घोषणा की है। अब पदाधिकारियों की घोषणा होने वाली है, तो स्वाभाविक है कि अब जब पदाधिकारी घोषित हो जाएंगे, सदस्य घोषित हो जाएंगे, तो मंदिर निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। अभी भौगोलिक स्थिति वहाँ की देखी जाएगी, उसके उपरांत पहले तो वह भूमि जो है जो अधिग्रहित है उसको प्रशासन जो है सौंपेगा, उसके बाद ही ट्रस्ट को, उसके बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ट्रस्ट का घोषणा किया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और स्वागत है दिगंबरा अखाड़ा की तरफ से और पूरे साधु समाज से। ट्रस्ट घोषणा करने के बाद अब उनसे हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं कि राम जन्मभूमि का निर्माण जल्द से जल्द हो। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी को, स्वागत योग्य है उनकी घोषणा, क्योंकि यह प्रतीक्षा रही और जो 3 महीना का समय बीतता जा रहा था त्यों त्यों निराशा आती रही कि कहीं ऐसा नहीं है कि 3 महीने के अंदर यदि यह ट्रस्ट की घोषणा नहीं होती है तो पुनः इसके प्रयास करके और यह समय लेना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तत्परता के साथ जैसे आज ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी है, इसलिए सारे रास्ते साफ हो गए हैं राम मंदिर के लिए। अब निश्चित है श्री राम भगवान का भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। देखिए, सवाल यहाँ अयोध्या का है, राम जन्मभूमि का है, बाबरी मस्जिद का है। ट्रस्ट की घोषणा जो है हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद की जमीन के लिए भी जो है कहा गया है कि जमीन 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक बहुत अहम थी और इसमें 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई। वो 18 बिंदु भी अपने आप में काफी अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
क्या थे वो बिंदु आपको बताता हूं। कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित श्रीराम तीर्थ क्षेत्र के अनुक्रम में सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया है। यह जमीन ग्राम धुन्नीपुर तहसील सुहावल जनपद अयोध्या में थाना रौनाही के पीछे स्थित है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कल लखनऊ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुक्रम में केंद्र सरकार को 3 प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें से एक का उन्होंने चयन किया है। ये लखनऊ अयोध्या राजमार्ग से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो यातायात सुगमता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 9 नवंबर 2019 के अनुपालन में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश लखनऊ को 5 एकड़ भूमि का आवंटन किए जाने के संबंध में है। इसमें बड़ी बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन 3 माह के अंदर आवंटित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के संबंध में प्रदेश सरकार से 3 विकल्प केंद्र सरकार को भेजे गए थे। उनमें से एक विकल्प को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है और उस विकल्प को मैं थोड़ा पढ़कर आपके सामने बताना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा चयनित उक्त 3 विकल्पों में से भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ उत्तर प्रदेश को ग्राम धन्नीपुर तहसील सोहावल जनपद अयोध्या में लखनऊ राजमार्ग पर थाना रौनाही के पीछे लगभग 200 मीटर पर स्थित भूमि का आवंटन किया गया है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है। अयोध्या में हर प्रकार से यह उपयुक्त स्थान है तथा आवागमन हेतु सड़क मार्ग, जन सुविधाओं के साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द एवं लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित स्थान यह साबित होगा। श्रीकांत शर्मा की महत्वपूर्ण घोषणा में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2016 की वेब नीति में परिवर्तन किया है। इसमें महत्वपूर्ण है कि यह DABP के 2.5 लाख हिट्स के विपरीत 50,000 हिट्स को स्वीकार किया गया है। कि विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय DABP की नीतियों के अनुसार वेबसाइटों को विज्ञापन प्रदान करने हेतु हिट्स की संख्या को, ये मुख्य है इसका, हिट्स की संख्या को 2.5 लाख से कम करते हुए 0.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है। जो हिट्स की संख्या है 2.5 लाख से कम करते हुए 0.5 लाख किया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश सरकार की नीतियों, उपलब्धियों तथा कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सके। इसमें वेबसाइट की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स यानी गूगल एनालिटिक्स, कॉमस्कोर आदि द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं इनकी गणना का आधार यूनिक यूजर होगा। और बुलेटिन में बात करते हैं डिफेंस एक्सपो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत के पास असीम संभावनाएं हैं और इस दिशा में सरकारी की नीतियों इस क्षेत्र में व्यापार में सुगमता भी आई है। लखनऊ में रक्षा प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान घरेलू रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव किए गए हैं। वर्ष 2014 में
भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था, वहीं बीते दो साल में भारत करीब 17000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंडिया पवेलियन का दौरा किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटर से चलने वाली राइफल चलाई। उन्होंने राइफल से एक के बाद एक कई निशाने लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदर्शनी में मौजूद एक रोबोट से हाथ मिलाया और अधिकारियों से अत्याधुनिक हथियारों की बारीकियों को भी जाना। वर्चुअल रियलिटी, इस तकनीक को यहां देखा जा सकता है। टारगेट को किस तरह टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ये जो सिमुलेशन होता है इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। हवाई जहाज उड़ाने में पायलट की जान की रक्षा करते हुए उसको पूरी तरह ट्रेनिंग देना, ये एक आभासी दुनिया होती है जिसमें सब कुछ वैसा ही होता है जैसा वास्तव में होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री, अब देखिए, राइफल चलाने की ट्रेनिंग भी आप किसी को हर्ट किए बगैर, बुलेट बर्बाद किए बगैर कर सकते हैं। एटैक्स डिप्लॉय हो रही है। प्रधानमंत्री डिफेंस एक्सपो के दौरान एयर शो का जायजा भी उन्होंने लिया और भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन को भी देखा। शौर्य प्रदर्शन में भारत में बनाए गए हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, जो कि आज कम समय में दिखाई जा रही है। अगले दस्तों को और क्लियर सिग्नल दे दिया है। इस दौरान आर्टिलरी द्वारा दुश्मन पर लगातार गोलाबारी चल रही है। अब अपना ध्यान आसमान की तरफ ले जाएं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके बाकी के स्पेशल फोर्सेस दुश्मन के एरिया में आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का आयोजन पीएम मोदी की सोच का परिणाम है। डिफेंस एक्सपो 2020 पहले की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य है। उन्होंने ये भी कहा कि डिफेंस एक्सपो का लक्ष्य इनोवेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ लाना है। हम रक्षा उत्पादन में अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपो भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के पावर हाउस के रूप में पेश करने की एक अभिव्यक्ति है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्रालय की रणनीति को 3P मॉडल यानी कि पॉलिसी, प्रोडक्शन और पार्टनरशिप के जरिए समझा जा सकता है। मित्रों, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 कई मायनों में पिछले आयोजनों से काफी अलग है और इसका लक्ष्य इनोवेटर्स तथा मैन्युफैक्चरर्स, पब्लिक तथा प्राइवेट सेक्टर एवं इंडिजिनस एवं फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इस प्रकार के साथ लाना और जोड़ना है जो पहले कभी नहीं किया गया है। इस पूरे आयोजन का मैग्नीट्यूड और स्केल हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नए भारत के विजन एवं भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के संकल्प की अभिव्यक्ति है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता को हासिल करने के हमारे प्रयासों के तहत हमने डायरेक्ट रूट के रास्ते से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% तक और गवर्नमेंट के माध्यम से 100% तक बढ़ाया है। हमने साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस एक्विजिशन के लिए जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी काफी सरल बनाया है। देवी ओम सज्जनों, हमने पहले ही उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की व्यवस्था शुरू कर दी है और इसके साथ साथ हम बुनियादी ढांचे के विकास में भी तेजी लाए हैं तथा मैन पावर स्किलिंग और कनेक्टिविटी को और बढ़ाने पर भी हमने पूरा जोर दिया है। डिफेंस एक्सपो के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन लखनऊ में होना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि इसमें हमें अपनी सेना के पराक्रम से देश को अवगत कराने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डिफेंस एक्सपो के दौरान 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहां होने जा रहे हैं।
जिससे 50,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश प्रदेश में होगा और 3 लाख से अधिक रोजगार यहां पर सृजित होंगे। हम सब के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने इस डिफेंस एक्सपो को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए गौरवशाली इसलिए कि हमारा देश न केवल इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सेना के उस पराक्रम के बारे में पूरे देशवासियों को अवगत कराने का एक अवसर तो देता ही है, रक्षा सेना के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और दुनिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े हब के रूप में अपने देश को स्थापित करने की दिशा में इस प्रकार के आयोजन बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर घोषित डिफेंस कॉरिडोर की दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अपनी पॉलिसी बना करके लगभग 25,000 एकड़ के लैंड बैंक के साथ उन 6 नोड के साथ काम करना प्रारंभ किया है, जहां पर ये डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का कार्य होना है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण निवेश का जो एक बेहतर गंतव्य उत्तर प्रदेश बना है, ये डिफेंस एक्सपो 2020 ने उन संभावनाओं को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। खासतौर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान 23 एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यहां पर होने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर संभावित होने जा रहा है और इसके माध्यम से 3 लाख से अधिक रोजगार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को इस वर्ष के अंत तक सामान्य जन के लिए यातायात के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रारंभ हो गया है और 2021 के अंत तक ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी प्रदेश सरकार ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हेतु जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए भी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर आकार को आगे बढ़ाने के लिए और यहां निवेश की अन्य संभावनाएं तलाशने के लिए भी डिफेंस एक्सपो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया है। हमारे पास एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क है, दिल्ली से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश प्रदेश के पूर्वी छोर को जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को हम सामान्य जन के यातायात के लिए उपलब्ध करा देंगे। प्रदेश के अंदर एक तीसरे एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है और इसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के पश्चिमी छोर मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे पर भी प्रदेश सरकार ने वर्तमान में कार्य करना प्रारंभ किया है। एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए
सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने और यहाँ पर निवेश की उन व्यापक संभावनाओं को लेकर के भी भविष्य को तलाशने की दृष्टि से डिफेंस एक्सपो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 11 नए एयरपोर्ट पर हम लोगों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में डिफेंस एक्सपो 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों के अनुसार भारत को रक्षा उत्पादों के साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में स्थापित करने का काम करेगा। और अब आइए जानते हैं और देखते हैं कि डिफेंस एक्सपो की कुछ खास झलकियां जिसमें हमारे जवान दिखा रहे हैं अपनी बहादुरी के बेहतरीन करतब। ग्रेटर नोएडा में बुधवार को इंडिया ऑटो एक्सपो 2020 का जो 15वां संस्करण है उसकी शुरुआत कर दी गई। हालांकि जो एक्सपो है उसका औपचारिक उद्घाटन आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एक्सपोलर द वर्ल्ड ऑफ मोबिलिटी की थीम पर आधारित ऑटो एक्सपो का जो संस्करण है इसमें पहले दिन की नामचीन कंपनियों ने कार, ट्रक और दो पहिया वाहन है उनके नए मॉडल को लॉन्च किया है। वाहनों की लॉन्चिंग की शुरुआत मारुति ने कारों के साथ की है। इसके बाद कई कंपनियों ने अपने नए वाहनों को लॉन्च किया। कई कंपनियों में जो ऑटो एक्सपो है उसमें भविष्य के जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखाई दी है। कई कंपनियां आज भी नए वाहनों को लॉन्च करेंगी। ऑटो एक्सपो में इस बार 100 से ज्यादा कंपनियां शिरकत कर रही हैं और शुरुआती दो दिनों में करीबन 17 नए जो वाहन थे उनकी लॉन्चिंग की गई है। जो आम पब्लिक है उसके लिए ये कल खोला जाएगा ऑटो एक्सपो। वहीं इस बार पेश किए गए वाहन उसमें सेफ्टी कनेक्टिविटी पर खास फोकस रहेगा। जो तीन गाड़ियां हमने आज लॉन्च की हैं जो कि इकोलाइफ E9, इकोलाइफ E12 और सिटी लाइफ BS6 है, तो वो अपने आप में प्रोडक्ट्स काफ़ी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स का फोकस ये है कि कैसे कस्टमर के लिए, एंड कंज्यूमर के लिए सेफ्टी फोकस किया जाए, कंफर्ट फोकस किया जाए और साथ ही साथ इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफ़ी हाई हो। और इन प्रोडक्ट्स की लाइफ भी करीबन 10 से 12 साल है। इसमें हमने लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, लिथियम टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। हमारी इसकी चार्जिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है जो कि 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में रहती है, डिपेंडिंग हमें कितने किलोमीटर्स क्लॉक करने हैं। ये बसें करीबन 200 किलोमीटर एक दिन में चल पाती हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा। इस स्वायत्त ट्रस्ट में होंगे 15 सदस्य जिनमें एक सदस्य अनिवार्य रूप से होगा दलित वर्ग का। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का किया ऐलान। प्रदेश कैबिनेट ने 18 फैसलों को और भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का किया उद्घाटन। कहा मेक इन इंडिया से भारत की बढ़ेगी सुरक्षा, वहीं डिफेंस सेक्टर में रोजगार के पैदा होंगे नए अवसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा डिफेंस एक्सपो से प्रदेश में होगा 50,000 करोड़ का निवेश, 3 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए पॉलिसी, प्रोडक्शन और पार्टनरशिप पर दिया जोर। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।